नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आप कहीं भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें। इस वीडियो में संतान के लिए निराश न हो, इस विषय का यह टोटका वीडियो दिया जा रहा है, जो कि बहुत से लोगों के शादी के बहुत दिनों बाद तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। यह टोटका उन लोगों के लिए है जो कि संतान के लिए वो लोग निराश हो चुके हैं। तो आइए, मैं इसका विवरण आपको दे रहा हूं। जिनके यहाँ विवाह के बहुत दिनों बाद भी संतान न हुई हो और पति पत्नी उपचार आदि क्रियाओं से तंग आकर एवं निराश होकर घर बैठ गए हों, तो पत्नी को चाहिए कि वह एक पाव गेहूं की आटे की बड़ी बड़ी गोलियां बनावे और उसमें थोड़ा हल्दी और चने का दाल गोली के अंदर भर लें। यानी गेहूं का आटा एक पाव लीजिए, पानी से उसको गोंद लीजिए और बड़ी बड़ी जो है गोलियां बनावें और उस गोली के अंदर थोड़ा हल्दी और दो चार पीस चने का दाल डाल दें। डाल के गोली का मुख बंद कर दें और अपने हाथों से सफेद रंग के गाय को खिला दें। यह क्रिया आप हफ्ता में एक दिन करें, इसमें दिन वार की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी दिन को यह क्रिया करके आप सफेद गाय को खिला सकते हैं। तो आप इस निराशा को निसंदेह जो है पूरा कर सकते हैं। तो यह जो है टोटका संतान प्राप्ति के लिए अति ही कलाकार साबित हुआ है और आप इसको कुछ दिन तक करें, हफ्ते में एक बार किया करें और गौ माता से आशीर्वाद की कामना करें। तो फिर एक बार सुन लीजिए, एक पाव गेहूं की आटे की बड़ी बड़ी गोलियां बनावें, उस गोलियों के अंदर थोड़ी हल्दी डाल दें, दो चार पांच पीस चने का दाल डाल के गोली का मुख जो है बंद कर दें, फिर गोला बना लें उसको सभी गोलियों में और सफेद रंग की गाय को लाके खिलावें। हफ्ते में एक बार करें उपचार और कुछ दिन तक करें, आपकी संतान प्राप्ति का मनोकामना अवश्य ही पूरा होगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो आइए, यह वीडियो संतान प्राप्ति के लिए है। जो व्यक्ति दवा पानी करा करा के थक के परेशान हो चुके हैं, उपचार कराते कराते निराश हैं, उनके लिए अति कारगर और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।